हेलो, तो कैसे हैं गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं पाठक चर्चितानंद आपका स्वागत करते हैं पाठक एजुकेशन सेंटर में लालितपन। दोस्तों, मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने सिस्टम में, अगर न्यू सिस्टम आप बाई किए हैं तो आप कैसे उसमें आपने हार्ड डिस्क में पार्टीशन कर सकते हैं, अगर आपने पार्टीशन किया हुआ है तो कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको पूरा फुल स्टेप समझ में। और आप वीडियो की स्किप कर देंगे तो आपको पूरा पूरा स्टेप समझ में नहीं आएगा और बोलेंगे, आप कमेंट करेंगे कि दिक्कत हो रही है, आपने वो नहीं बताया। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक, एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा वीडियो देखें आप सबसे पहले। तो चलिए, मैं सीधे आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये चलता हूँ और पूरा फुल प्रोसेस बताता हूँ। आपको आ जाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको चले जाना है अपने स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन में जाकर के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं दिस पीसी। दिस पीसी पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज आप देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन में मैनेज है, इस पर क्लिक करें और आप कुछ फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे रुके, देखिए ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है सिंपली, इमेज को थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर ले रहा हूँ। तो आपको चले जाना है इसमें डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक ही ड्राइव है यहाँ पे, सी ड्राइव, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टोरेज कैपेसिटी है 930 GB, ठीक है, 930 GB है। तो मैं इस पर पार्टीशन करना चाहता हूँ, तो कैसे पार्टीशन करेंगे? तो यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों, राइट क्लिक करना है जिस ड्राइव पे, जो ही आपका ड्राइव है हार्ड ड्राइव, उस पर राइट क्लिक करना है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं चला जाऊँगा श्रिंक। यहाँ पे देख सकते हैं एक है, तीन ऑप्शन आपको मिल रहा है, एक एक्सटेंडेड का, एक श्रिंक का और एक डिलीट का। तो अभी देखिए, आपका एक ही है श्रिंक का है ऑप्शन, हाईलाइटेड है, जो कि वर्क करेगा, और एक्सटेंड का वैल्यूम और एक डिलीट वॉल्यूम है। तो श्रिंक वैल्यूम यानी कि श्रिंक मतलब सिकुड़ना। तो मैं इसका, ये जो मेरा जितना वैल्यूम है इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं श्रिंक पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू टाइम्स लेगा, तो आप वेट करें और उसको ऑप्शन को ओपन होने दें। यहाँ पे दोस्तों, आप ये ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB। तो आपको MB में यहाँ पे इंटर करना है स्पेस की, आप कितना उसमें आप रखना चाहते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे ये 1024 MB इज इक्वल्स टू 1 GB। तो आप अपने इससे कैलकुलेशन करके जितना GB का आप बनाना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई कर लें और उतना MB यहाँ पे फिल कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी, मैं आपको दिखा दूँ, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे दिखा दूँ मेरे को, यहाँ पे 930 यानी कि 930 GB स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरे को इनमें से पार्टीशन करना है, ठीक है। तो मैं कितना करना है पहले, तो मैं चाहता हूँ किसी में कितना छोड़ना है उतना मैं, मेरे को मान लीजिए 300 GB मैं इसमें रखना चाहता हूँ। तो मेरे पास कितने बचे, टोटल कितने बचे, 630 GB। तो 630 GB इंटू 1024 कर लीजिए, उतना MB यहाँ पे फिल कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे क्या करना है कि 1024 इंटू जितना GB आपको यहाँ पे अवेलेबल रखना है उसमें, अपने ड्राइव में जिसको पार्टीशन करना है उसमें मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं यहाँ पे अपना को रखना है 580 इंटू 1024 करेंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 593920। तो इतना MB हमको क्या करना है, श्रिंक करना है इसमें से, सी ड्राइव से। यहाँ पे अब आपको सिंपली यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आप श्रिंक कर दें, और श्रिंक करने के बाद आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये आ गया अनलोकेटेड, मैंने तो श्रिंक कर लिया लेकिन मेरे को इसको नेम देना है, कौन सा ड्राइव है वो कैसे करेंगे उसका मैं अब स्टेप बताता हूँ। तो आपको इस पर जो आपको दिख रहा है ये देखिए, देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है और ये ब्लैक कलर का। तो मैंने तो मेमोरी को एलोकेट तो कर दिया, लेकिन इस पे जितने वो चीज़ें हैं अभी वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे चले जाना है इसको न्यू सिंपल वॉल्यूम में, ठीक है, और यहाँ पे करना है नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल वॉल्यूम इन साइज इन MB यहाँ पे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। और यहाँ पे कह रहा है कि आप इस ड्राइव को किस अल्फाबेट से डिनोट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं डी ही रखता हूँ इसको, डी डी ड्राइव मैं इसको बनाऊंगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम लेवल, ये जो होता है नेम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने डी ड्राइव का नेम झांझी देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल आप ध्यान दे लें कि क्या रखना है आपको। तो मैं यहाँ पे अपना नेम दे दिया यहाँ पे वॉल्यूम लेवल में, और यहाँ पे कर दीजिए नेक्स्ट और कर दीजिए यहाँ पे फिनिश। तो आप देख सकते हैं अभी
फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाज़ी यहाँ पे डी ड्राइव आ चुका है हमारा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और यहाँ पे स्टेप बता देता हूँ कि आप अगर चाहते हैं, आपको मैं यहाँ पे नॉलेज के लिए बता दूँ कि जो ड्राइव है, अगर सी से मैंने डी को बनाया है तो मेरे को अगर डी को सी में मिलाना है तो मैं डी को सी में मिला सकता हूँ। अगर और मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्टीशन है एमवी में कुछ है, अगर मैं इसको मिलाना चाहूँ सी में तो नहीं मिला सकता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं मिला सकता हूँ? क्योंकि ये जो है ये सी से नहीं बी से बना हुआ है, ठीक है। तो जो जिससे बना होगा मेरे को, अभी मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूँ, मेरे को अब डी से अलग यानी कि डी में से भी डी से एक अलग ई ड्राइव बनाना है, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे? तो आपको जो मैंने बताया था कि राइट क्लिक करना है यहाँ पे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम करना है, यहाँ पे कुछ टाइम लेगा। अब कितना है यहाँ पे मेरे को, 500, यहाँ पे कितना है 580 GB है। तो मेरे को 580 GB में से कितना मेरे को ये रखना है वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको 50-50 कर देता हूँ। तो मैं मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि 580 GB में से मैं 50-50 कर लूँगा, तो यानी कि 290-90 GB मेरे को चाहिए। तो मैं 290 GB × 10 से 24 कर लूँगा, तो यहाँ पे मेरे को MB में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना ये कैलकुलेट कर लिया कि कितना होना चाहिए मेरे पास। तो यह इसका वैल्यू हो जाएगा 296960, इतना MB हमको चाहिए। तो मैं यहाँ पे श्रिंक पे क्लिक करूँगा, सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनलोकेटेड आ गया। उसके बाद राइट क्लिक, फिर न्यू सिंपल वैल्यू में जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ई ड्राइव मेरे को चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मैं अपना वॉल्यूम का मेरे को नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे ई वॉल्यूम का दे देता हूँ माई ड्राइव, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे माई ड्राइव करके, माई ड्राइव करके दे दिया यहाँ पे नेम, यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। तो ये हमारा माई ड्राइव ई करके यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब मैं बता दूँ आपको प्रोसेस कि आप कैसे श्रिंक करेंगे ये, अगर वॉल्यूम आपको एक में मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, मैंने बताया। तो आपको यहाँ पे अगर मेरे को ई को सी में मिलाना है तो मैं डायरेक्टली नहीं मिला सकता हूँ। क्यों नहीं मिला सकता हूँ? क्योंकि मैंने डी से ई बनाया है, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट ई को सी में नहीं मिला सकता हूँ। कैसे मिलाऊंगा? पहले पहले ई को डी में, फिर डी को सी में। तो इस तरह से जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे ही इसको मैच यानी फिर डिलीट करके वॉल्यूम को अपने ड्राइव को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चले जाइए डिलीट वॉल्यूम और यहाँ पे कर दीजिए यस यस, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम क्या हो गया कि डिलीट हो गया। अभी आप देखिए प्रोसेस लेगा, यहाँ पे एस पे क्लिक कर देना है, देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम हमारा डिलीट हो गया लेकिन अनलोकेटेड दिख रहा है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए यानी कि मेरे 290 GB है, ठीक है। यानी कि मैंने डिलीट कर दिया तो मेरे को 500 कितने दिखने चाहिए, 580। तो मैं यहाँ पे आपको ड्राइव में दिखा देता हूँ, यानी कि मैं फाइल एक्सप्लोर ओपन करके दिखा देता हूँ आपको दिस पीसी में, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 289 GB ही दिख रहा है। तो मेरे इतने 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो यहाँ पे 319 GB है और यहाँ पे 289 GB है। तो मेरा और GB कहाँ चला गया? तो वो एलोकेटेड तो हो गया है लेकिन मैंने उसको अभी मैच यहाँ पे इसमें मिला नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इसको मिलाना है इसमें। तो इस पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे करेंगे एक्सटेंड वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ड्रीम किस जो ई ड्राइव था हमारा डी में अब मिल चुका है। मैं अब यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि अब देखिए आप देख सकते हैं, मैं एक थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं 579 GB यहाँ पे आप आ गया मेरा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना हार्ड डिस्क का पार्टीशन और डिलीशन और श्रिंक और एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के शेयर करें, और आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और वहाँ पर मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप जाकर के पेज को लाइक करें।